हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। क्या बोलती पब्लिक। दोस्तों आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं इस डेल के माउस को। ये एक वायर्ड माउस है और इसकी कुछ अपनी खासियतें हैं। ये 3 साल के वारंटी के साथ आ रहा है और ये फास्ट यूएसबी को सपोर्ट करता है। यानी कि ये माउस अगर आप अपने पीसी में लगाते हैं तो काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि ब्लूटूथ माउस कई लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके अंदर कहीं ना कहीं आपको कुछ मिली सेकेंड्स का लैग ज़रूर महसूस होता है। तो स्पेशली जो लोग गेमिंग वगैरह करना चाहते हैं और बजट में कोई माउस चाहते हैं, उनके लिए ये माउस काफ़ी बेहतरीन है। तो इसके अंदर क्या क्या आता है ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये माउस मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूँ अपने घर के पीसी के लिए, उसके ऊपर मैं गेमिंग वगैरह भी करता हूँ। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस इस माउस का काफ़ी बेहतरीन है। तो आज हम इसका अनबॉक्सिंग करेंगे, देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या आ रहा है। तो दोस्तों ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा चलते हैं अनबॉक्सिंग के ऊपर। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो भैया आप और इंतजार मत कीजिए, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ऐसे ही अलग अलग गैजेट्स के अनबॉक्सिंग वीडियोस देखने हैं, उनके रिव्यूज देखने हैं। और ये आपका आ गया है माउस का डब्बा। तो अब यहाँ पर ये देखिए सील लगी हुई है, इसको मैं उतार लेता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपको दिख रहा है मेड इन चाइना, कलर इसका ब्लैक है। तो इस तरीके का कुछ इसका पैकेजिंग है। पैकेजिंग काफी अच्छा लग रहा है मुझे। तो ये देखिए जी, ये हमारा माउस जो है वो आ गया है हमारे हाथ में। तो जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरीके का ये माउस है। इसके पीछे ये देखिए, ये यहां पर लाइट लगती है। ये बेसिकली लेजर गाइडेड होती है, तो इसके अंदर लेजर लाइट जो है वो जलती है। तो जैसे ही आप इसको हिलाते हैं तब ये आपकी मूवमेंट को ट्रैक कर लेता है। लाइट में जो भी कोई चेंजेस आ रहे हैं उसके हिसाब से ये ट्रैक कर लेता है और आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो आपको कर्सर जो है वो हिलता हुआ नज़र आता है। तो ये देखिए, इसके अंदर जो है वो यूएसबी टाइप का पोर्ट है और ये फास्ट यूएसबी पोर्ट में आप डाल सकते हैं, जिससे कि आपको एकदम ऑप्टिमल परफॉर्मेंस मिल जाएगा। वायर भी आप देख सकते हैं खासी लंबी है। इसको मैं पूरा खोलने वाला तो हूँ नहीं, लेकिन जितना मैं यहाँ पर इसके फोल्ड्स देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये काफ़ी लंबी वायर है। तो आप अगर टेबल के ऊपर बैठे हैं और नीचे आपका सीपीयू लगा हुआ है, तो वहाँ तक ये वायर बड़े आराम से चली जाएगी और आप बड़े आराम से इसको जो है वो इस्तेमाल कर पाएंगे। काफ़ी अच्छा फील है, बटन जो है वो ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये जो व्हील है इसका, ये भी काफ़ी अच्छी तरीके से घूम रहा है। इसके अंदर भी एक टच जो है या क्लिक उन्होंने दिया हुआ है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। और जो चीज़ मैं महसूस कर रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। क्योंकि गेमिंग करते वक्त जो है वो आपको एक ऐसा माउस चाहिए जिसका खुद का वज़न कम हो, तो आप इसको बड़े आसानी से हिला सकते हैं। तो ये चीज़ जो है वो बहुत अच्छी लगी है मुझे। एक्सट्रीमली लाइट वेट है, बिल्कुल भी ज़्यादा इसका वज़न नहीं है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आपके कुछ सवाल हैं तो आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं।